Hi everyone, welcome to our channel Unboxing the Trends. So today I'm going to give a review of this IFB clothes dryer. I've been using it from last 2 years and I'm very happy with the product. This is a very helpful machine, especially rainy season mein, ya agar aap coastal areas ke paas rehte hain ya jahan par bahut zyada humidity hoti hai, this works amazing. So let's begin the video and I'm going to show you everything about this clothes dryer. So this clothes dryer comes with 4-year warranty. तो कभी भी आपकी मशीन अगर ख़राब होती है, you can definitely contact customer care. And हम इसमें डालेंगे ये कपड़े, वॉशिंग मशीन से धुले हुए कपड़े जो रहते हैं, हल्के से जो हम लास्ट में स्पिन करते हैं, पानी निकला रहता है पर कम्प्लीटली ड्राई नहीं रहते हैं. हम इसमें प्रॉपर जो हाथ से धुले हुए कपड़े वो भी डाल सकते हैं. और उसके बाद इसमें है ये एग्जॉस्टर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये गर्म हवा बाहर फेंकता है. कोई भी हम इंडोर जगह पे इसे नहीं रख सकते हैं, हमें इसके लिए कोई भी बाहर या फिर हमें प्रॉपर एग्जॉस्टर लगवाना पड़ेगा. अब इसके अंदर आता है ये फ़िल्टर जिसमें ये हमारे कपड़े कम्प्लीटली ड्राई करके और जितनी भी कपड़ों में डस्ट होती है वो सारी निकाल के ये एग्जॉस्ट से निकालता है. तो ये हमें एवरी वॉश के बाद इसको क्लीन करना है. दैट आई एम गोइंग टू शो यू हाउ डर्टी इट इज़. सो ये है कपड़े, इनको हम डालेंगे अंदर. अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी क्लोथ्स ड्रायर आप फिल करें उसको कम्प्लीटली ऊपर तक फिल नहीं करना है. जैसे हम वॉशिंग मशीन में भी करते हैं, पूरा हम उसको नहीं भरते क्योंकि कपड़ों को घूमने के लिए भी थोड़ा सा आपको स्पेस चाहिए. तो हमेशा याद रखिए आपको जो क्लोथ्स ड्रायर है उसको हाफ फिल करना है ताकि कपड़े बहुत जल्दी आराम से सूख जाए. उसके बाद हम इसका करते हैं टाइमर सेट. टाइमर सेट के लिए हमें हमेशा इसको क्लॉकवाइज ही मूव करना है और आप मैक्सिमम 90 मिनट्स के लिए ही रखिए इसको. अगर आपके कपड़े सूखे नहीं हैं तो आप इस दोबारा टाइमर इसका बढ़ा सकते हैं. इसके अंदर आते हैं मिक्स लोड कॉटन एंड सिंथेटिक. सिंथेटिक क्योंकि थोड़े से सेंसिटिव होते हैं तो उसका एक अलग मोड है, और बाकी हम कॉटन के अगर जो कपड़े हैं थोड़ा जल्दी सूख जाते हैं और नॉर्मल कपड़े थोड़ा लेट सूखते हैं, तो इस तरह से इसमें अलग अलग साइकिल्स दिए हुए हैं. पर मैं जनरली इसको सेम साइकिल में ही डाल देती हूँ. और ये क्लोथ्स ड्रायर चलता है 3 मिनट के लिए क्लॉकवाइज और 3 मिनट के लिए एंटी क्लॉकवाइज. तो इससे आपके कपड़े अच्छे से ड्राई होके निकलते हैं. उसके बाद इसके अंदर है सेफ्टी रीसेट का बटन. सेफ्टी रीसेट में क्या है, बाय चांस आपकी मशीन ज़्यादा गर्म हो के बंद हो गई है तो आप इसको खोलिए और इसको 3 बार प्रेस कीजिए बटन को एंड वो चलना स्टार्ट हो जाएगी. वैसे मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ है. एंड एक बार आप चेक कीजिए आपके कपड़े कम्प्लीटली आपको दिखते हैं ड्राई, उसके बाद आप इसे निकाल लीजिए. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू दी डस्ट, हाउ मच डस्ट वी हैव इन आर क्लोथ्स. सो वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड, आप कपड़े निकाल के फिर इसको निकालिए फ़िल्टर को और देखिए कितनी डस्ट है. जनरली ये फिर भी कम है, जब हम ब्लैंकेट वगैरह या कुछ मोटा ऐसा धोते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा डस्ट निकलती है. तो इसको आप साइड कर लीजिए. एवरी टाइम यू हैव टू क्लीन इट नाइसली एंड देन अगेन फिक्स दिस फिल्टर. अगर ये फिल्टर नहीं लगाएंगे तो हमारी मशीन की एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है. तो इसे आपको हर बार साफ रखना है ताकि आपके कपड़े अच्छे से जल्दी ड्राई हो जाए. अच्छा, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मशीन इज़ कि जब हम नहाने के बाद जो हमारे टॉवल्स हैं, अगर हमें उन्हें वॉश नहीं करना है, हम जनरली धूप में डाल देते हैं, तो आप उनको इसमें भी थोड़ा सा 5 मिनट के लिए डाल दीजिए. आपके टॉवल्स कम्प्लीटली एकदम फ्रेश, गरम गरम, साफ, सैनिटाइज होकर निकलते हैं. सेम विद ब्लैंकेट्स. I love this part because इसमें हम ब्लैंकेट्स, जैसे हम धूप में डालते हैं ब्लैंकेट्स भी डाल सकते हैं, और कोई भी चीज़ जिसमें हल्की सी स्मेल आ रही है आप उसको रिफ़्रेश में डाल दीजिए. रिफ़्रेश में क्या होता है, ये कुछ 10 मिनट के लिए आपकी मशीन चलेगी हार्डली, और उसके बाद आपका ब्लैंकेट या आपके टॉवल्स एकदम सैनिटाइज होकर निकलेंगे. और हमें इसमें रिफ़्रेश मोड में रखना है. रिफ़्रेश मोड में हार्डली ये 5 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए चलेगा. अच्छा, वॉट टू अवॉइड इन दिस मशीन. सो आपको इस टाइप के रबर जिसका बैक में होता है, या प्लास्टिक की शीट होती है, या ये वाली इस टाइप के कुछ सितारे वगैरह जो होते हैं, प्रेफरेबली आप इसे मत डालिए. ऑल्दो मैंने ये बटरफ्लाई वाली टी शर्ट डाली है, कुछ नहीं होता है, बट फिर भी दे से कि प्रेफरेबली ना डालें क्योंकि ये प्लास्टिक है, ये गलने के हाई चांसेस होते हैं. इसके अलावा आपको इसके लिए चाहिए 15 AMP का प्लग पॉइंट, और मैंने इसे लिया था अराउंड 2 साल पहले. तो इसका उस टाइम पे प्राइस कुछ 18,000-19,000 था. सो लेटेस्ट प्राइस मैं आपको यहाँ पर बता दूँगी कितना अभी लेटेस्ट चल रहा है. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. इसके अलावा जो ये लाइट लेता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इसकी है 1 to 2 यूनिट. दैट डिपेंड्स कि आप साइकिल पूरा 90 मिनट्स के लिए या 120 मिनट्स के लिए लगा रहे हैं, बट जनरली ये 1 to 2 यूनिट ही लेता है पर साइकिल. तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन चेक. सो ओवरऑल आई एम रियली रियली हैप्पी विद द प्रोडक्ट. आई एम
स्टेइंग इन अ प्लेस वेयर देयर इज सो मच ह्यूमिडिटी, तो मेरे लिए तो ये सबसे बेस्ट है। और यहाँ पर बारिश होने के बाद अगर धूप भी निकलती है उसमें भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो मेरे कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं इसमें ड्राई होते हैं। सो ऐसे मौसम में अगर आप रहते हैं या अगर आप कोस्टल एरियाज़ में, सी कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट यू हैव। एंड स्पेशली जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर 4 से 5 महीने बारिश रहती है। सो आई थिंक अगर आप इस टाइप की सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको सनलाइट बहुत कम मिलती है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इसमें कपड़े आपके बहुत अच्छे से सैनिटाइज होकर निकलते हैं। सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट इफ़ यू वॉन्ट टू बाई सम ड्रायर। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज ट्यूटोरियल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल वॉच माई अदर वीडियोज एज वेल। टिल देन टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।